अस्सलाम वालेकुम, आज है ट्यूसडे। ट्यूसडे के दिन हम वर्कआउट करेंगे बैक का वर्कआउट। बैक के वर्कआउट में जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़ा सा हम अपने जो एक्सरसाइजेज हैं वो थोड़ी इंक्रीज करेंगे। जैसे कि हम पहले 5 एक्सरसाइज करते थे, अब हम 6 एक्सरसाइज करेंगे, और उसमें एक्सरसाइज में हम रेपिटेशन 10-10 के ही रखेंगे, ठीक है। और हम थोड़ा हाई इंटेंसिटी में वर्कआउट करेंगे, और उसके साथ आज हमारा साथ देंगे जुहेब सर। आज हम इनके साथ वर्कआउट पहला जो हम वर्कआउट स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे रोइंग का। रोइंग रॉड पे, रॉड आपने जो करना है वो मीडियम साइज का पकड़ लेना है। उसमें आपने दोनों तरफ 15 केजी की प्लेट डाल देनी है, ठीक है। और परफॉर्म कैसे करेंगे, क्लोज ग्रिप करेंगे हम, ठीक है, परफेक्ट। बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, विंग्स को बाहर की तरफ निकालेंगे, और आपकी जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी। लेग्स थोड़े बेंड हो जाएंगे। जब आपने रॉड को ऊपर लेके आना है तो बॉडी को, चेस्ट को थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव करना है, ताकि जो आपकी जो बैक है वो टोटल कॉन्ट्रैक्ट हो। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये फॉर्म को आपने बहुत ध्यान से देखना है। अगर आप थोड़ा सा बेंड रखेंगे बैक को, तो आपको बैक बोन में इंजरी भी हो सकती है। बट कोशिश करनी है कि आपने अपनी बैक को बिल्कुल फ्लैट रखना है, स्ट्रेट, और चेस्ट को अप। इसी तरह हम इसके लगाएंगे 10 रैप्स, 15 की प्लेट ऐड करके। उसके बाद जो सेकेंड सेट करेंगे वो 5 की प्लेट ऐड करेंगे, उसके 15 रैप्स लगाएंगे और 10 रैप्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 5 प्लेट्स ऐड करेंगे, उसके फिर हम 10 रैप्स करेंगे। इसके साथ हमारे 3 सेट्स कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, जो हम सेकंड एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे वो करेंगे हम डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट हम करेंगे डंबल के साथ। डंबल के साथ कैसे परफॉर्म करना है, आपने अपने जो डंबल्स हैं वो नीच से थोड़े से नीचे लेके आने हैं, ठीक है। ये करके बैक को कॉन्ट्रैक्ट करना है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होके। अच्छा, डंबल्स आपके, कुछ लोग क्या करते हैं, डंबल्स को पीछे की तरफ मूव कर लेते हैं। डंबल आपके लेग्स के तरफ पास रहेंगे, बैक को कॉन्ट्रैक्ट करना है, लगाएं। सेम ये फॉर्म रहेगी आपकी, एक्यूरेट फॉर्म। इसी तरह आपने इसके 10 रैप्स लगाने हैं, ठीक है। डंबल्स हम जो पकड़ेंगे वो पकड़ेंगे 20 केजी का। उसके बाद जो हम जो डंबल इंक्रीज करेंगे वो 22 का, फिर 24 का। रेपिटेशन हमारी 10-10 ही रहेगी, जैसे कि मैंने शुरू में बताया आपको। चलिए नेक्स्ट, जो हम थर्ड वर्कआउट जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे सिंगल आर्म रोइंग। आपने उसके लिए क्या करना है, बेंच पे आपने अपने जो लेफ्ट लेग है उसको वहां पे लगा देना, लगाए, ठीक है, रख देना। और हाथ जो आपको होगा लेफ्ट वाला वो आगे आ जाएगा। डंबल्स पकड़ना है, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट ऑल द वे डाउन एंड अप, चेस्ट तक, दैट्स इट, ठीक है। इसके हम करेंगे 3 सेट्स करेंगे, और डंबल जो हम उसका होल्ड करेंगे वो करेंगे हम 16 का। उसके हम लगाएंगे 10 रैप्स। जब हमारा 1 सेट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम साइड को चेंज करेंगे। इसमें हमने रेस्ट नहीं लेना, साइड चेंज करेंगे, ये देखें ऐसे। सेम हम इसके 10 रैप्स करेंगे। उसके बाद फिर हम सेकंड जो सेट में 20 केजी का डंबल पकड़ेंगे, उसके सेम हम 10 रैप्स लगाएंगे, सेम एज इट इज, नॉन स्टॉप लगाएंगे, रेस्ट नहीं लेना इस एक्सरसाइज में। फिर हम 24 का पकड़ेंगे, उसमें भी हम सेम 10-10 के दोनों तरफ एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। इसके साथ हमारी वाली एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। नेक्स्ट, अब हम करेंगे अपनी फोर्थ वर्कआउट, वो करेंगे लैट्स पुल डाउन। हम अपने जुहेब सर को बोलेंगे कि अपनी शर्ट को रिमूव करें, जो अपना जो नगीना बॉडी है वो दिखाएं जरा, हमें शर्ट रिमूव करें सर अपनी। उसके बाद हम अपने एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, परफेक्ट। अच्छा, लैट्स पुल डाउन में आपने बैक लगाना है, बैक में आपने 10 रैप्स 10 प्लेट्स डाल लेने हैं, और उसके आपने 10 रैप्स लगाने हैं। बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट 90 एंगल पे रखना है, और ऑल द वे अप जाना है। बॉडी को बिल्कुल बैक पे आके कॉन्ट्रैक्ट करना है, और ऑल द वे अप जाना है। इस तरह हम इसके 10 रैप्स लगाएंगे, और वेट सेम मारा रहेगा, इसमें हम वेट इंक्रीज नहीं करेंगे। 10-10 के हम इसके 3 सेट्स लगाएंगे। कोशिश करना है जब आपने नीचे आना है और एल्बो को जब ऊपर की तरफ जाना है, तो एल्बो को आगे की तरफ मूव करना है, ठीक है। दोबारा अगेन ये देखें, बैक एल्बो इस तरह आई, जब ऊपर जाना है एल्बो को आगे की तरफ मूव करना है, ताकि जो आपकी जो बैक की जो विंग्स है ना उससे प्रॉपर स्ट्रेच आए, और जब नीचे आए तो कॉन्ट्रैक्ट हो, जब ऊपर जाए तो स्ट्रेच हो। इसी तरह हम इसके 3 सेट्स करेंगे। वर्कआउट करेंगे रोइंग। रोइंग में हमने कैसे परफॉर्म करनी है, हमने 8 प्लेट्स डालनी है, और उसमें हमने 10 रैप्स लगाने हैं। अपनी जो लेग्स है वो आपने बेंड नहीं, ज्यादा स्ट्रेट नहीं करनी, ना ज्यादा बेंड करनी है, नॉर्मल बेंड रखनी है। बॉडी को स्ट्रेट रखना है, चेस्ट को अप रखना है। जब आपने आगे जाना है तो चेस्ट को अप करके ही आगे जाना है, परफॉर्म परफेक्ट, ठीक है। इसी तरह हम इसके 10 रैप्स लगाएंगे, ऑल द वे आगे जाएंगे और ज्यादा पीछे नहीं आएंगे। 90 के एंगल पे हमने स्ट्रेट रहना है, ठीक है। 3 सेट्स करेंगे इसके हम, और अगर आप 10 रैप्स आपके इजी लग गए हैं तो आप वेट इंक्रीज कर लें, अदरवाइज वेट इंक्रीज करने की कोई जरूरत नहीं। हमारा जो बेसिक मकसद है वो है बैक को कॉन्ट्रैक्ट करना और स्ट्रेच करना। जितनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उतना डेवलप होगा, जितना ज्यादा स्ट्रेच करेंगे उतना अच्छा है। चलें, जो हमारी लास्ट वर्कआउट है वो है रोप से हमने पुल डाउन करना है इसको। वो कैसे परफॉर्म करेंगे, सेम एज इट इज हमने रोप को पकड़ना है। अच्छा, इसमें हमने ना रोप को गैप नहीं करना, रोप को आपस में हाथों को जोड़ के रखना है, ठीक है, इसी तरह। और हाथ हमारे इस तरह होंगे, और हमने इसको जो रोप है वो टमी पास लेके आना है, और जब हमने आगे की तरफ जाना है तो बॉडी को थोड़ा सा डाउन करना है। डाउन करने से क्या होगा, आपके जो विंग्स है उसमें ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच आएगा,
और मसल एक्टिव रहेगा, मसल में थोड़ा सा भी लूजनेस नहीं आएगी। सेम इसी तरह हम उसके 8 प्लेट्स डालेंगे, इसके हम इसके 10 रेप्स करेंगे। इसमें आपने वेट लाजमी इंक्रीज करना है, 1 प्लेट मजीद ऐड करेंगे, 10 रेप्स लगाएंगे, फिर 1 प्लेट मजीद ऐड करेंगे, हम उसके 10 रेप्स लगाएंगे सेम एज इट इज। अब हम करेंगे कोर का वर्कआउट। अब हम करेंगे कोर का वर्कआउट। कोर के वर्कआउट में आपने 20 रेप्स करने हैं गुड मॉर्निंग के। कैसे परफॉर्म करेंगे, लगाएं ऑल द वे बैक, ठीक है, ऑल द वे डाउन, ठीक है। इसके 20 रेप्स करके फिर हम जब 20 रेप्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम 50 जंपिंग करेंगे साथ ही। इसी तरह हमने इसकी 50 जंपिंग करनी, इस तरह 1x1 करके हम इसके 3 सेट्स कंप्लीट करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम 3 मिनट्स रनिंग करेंगे। इसके साथ हमारा आज का जो वर्कआउट है वो हुआ कंप्लीट। हमें दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।